इस वीडियो में बात करने वाले हैं आयशा सिंह और नील भट्ट के बारे में। आपको पता होगा सई और विराट की जोड़ी जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस है, इस शो को जब ये शो से एग्जिट कर रही थी जोड़ी तो इस बात से फैंस बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। जी हाँ, इस जोड़ी की अगर बात करें तो प्रॉपर इस जोड़ी को साथ में जिस तरीके से फैंस की डिमांड रही है उसी तरीके से फैंस देखना चाहते थे। खैर, वो डिमांड आपको इतनी ज़्यादा इस शो के अंदर फुलफिल होती हुई नहीं देखने को मिल पाई है आपकी जो विश रही है, लेकिन फैंस इस बात को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हो सकता है अदर किसी भी प्रोजेक्ट में एक साथ देखने को मिल जाए। तो कुछ फैंस का ये भी कहना था कि दोनों अब एक साथ कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाले बिकॉज ऑफ ऐश्वर्या शर्मा। सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ऐश्वर्या शर्मा की तो बात नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर मेकर्स ने ही उनसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया है, बात आपको पता ही चली होगी। 3 से 5 साल का कोई कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर दोनों साथ में काम नहीं कर सकते हैं। पर आपको बता दें, देखना ये होगा कि इस बीच क्या दोनों कोई म्यूज़िक एल्बम भी नहीं कर सकते। अगर डेडी शूट की बात करें तो उसमें तो नज़र नहीं आ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से लेकर है इस बात को लेकर क्लियर नहीं है कि दोनों अगर म्यूज़िक वीडियो में साथ में नज़र आना चाहें तो क्या दोनों आ सकते हैं। सो या डेडी शूट में दोनों के लिए शायद कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया हो कि दोनों डेडी शूट में एक साथ नज़र नहीं आ पाएंगे। सो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या कुछ होता है। फिलहाल खबरें आ रही हैं सामने कि आयशा सिंह के न्यू प्रोजेक्ट को लेकर। जी हाँ, आयशा सिंह की अगर हम बात करें तो वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, यही वजह रही कि उन्होंने शिव शक्ति शो को मना किया था और वहाँ पर उनके पास उनका ऑफर गया था शो का, लेकिन उन्होंने उसके लिए कोई लुक टेस्ट वगैरह नहीं दिया। सो अगर वो इस शो के लिए हाँ कर रही हैं, जो भी न्यू प्रोजेक्ट आने वाला है, जिस भी प्रोजेक्ट में वो नज़र आने वाली हैं, तो क्या सच में वो नज़र आएंगी, ये खबरें हैं या फिर रूमर्स हैं, ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं अगर वो किसी भी न्यू प्रोजेक्ट में नज़र आती हैं। तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आशा सिंह के अपोजिट भी कौन नज़र आएगा। अगर अभी नज़र नहीं आ रही हैं, कुछ टाइम के बाद नज़र आएंगी, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद नज़र आएंगी, लेकिन जब भी आएंगी तो उनके अपोजिट कौन नज़र आएगा। क्या उस जोड़ी को उतना प्यार मिल पाएगा जिस तरीके से सई और विराट की जोड़ी को मिला है, ये बहुत बड़ा सवाल है फैंस के बीच में, आने वाले टाइम में क्लियर होता नज़र आएगा। वहीं बात करें नील के बारे में तो नील भी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, देखना होगा कि उनके अपोजिट कौन नज़र आता है। सो क्या कुछ कहना कमेंट करके एक सेगमेंट जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।